गुड मॉर्निंग बच्चों, आज इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका मैं स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 12वीं ग्रह विज्ञान एनाटॉमी का अध्याय 1 पढ़ेंगे। इसमें पहला है श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र। तो देखते हैं श्वसन होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। श्वसन वह क्रिया है जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण के लिए वातावरण से ऑक्सीजन शरीर के अंदर ली जाती है और ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऑक्सीकरण के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के ऑक्सीकरण का यह प्रक्रिया बहुत जटिल है। इसमें जटिल जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रेणी शामिल है और मुक्त ऊर्जा, जिसे एटीपी कहते हैं, अणु के रूप में संग्रहित हो जाती है। सरलता रूप के लिए इस बहुपदीय अभिक्रिया को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। भोजन, ऑक्सीजन और इससे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा। तो जो हम भोजन श्वसन क्रिया एक अंदरूनी होती है, बाहर से तो दिखती है कि हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। साधारणतः भाषा में हम बोल देते हैं श्वसन, परंतु श्वसन जो है अंदरूनी प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों को ऑक्सीजन के द्वारा विघटन किया जाता है और उस विघटन के बाद जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह श्वसन क्रिया कहलाती है। श्वसन क्रिया में ऊर्जा का निर्गमन शरीर की कोशिकाओं के भीतर होता है। इसके अलावा जीवन के लिए श्वसन अनिवार्य है, क्योंकि यह जीवों को जीवित रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। सभी प्रक्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा मुहैया कराता है। और अधिक जानने के लिए देखते हैं कि अंग्रेजी शब्द के रिस्पायर का शाब्दिक अर्थ श्वसन करना होता है। श्वसन एक नियमित शारीरिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर भोजन का ऑक्सीकरण का कार्य करती है। इस प्रक्रिया में CO2 गैस निकलती है। इस प्रकार यह सब अंग तथा फेफड़े मिलकर मानव का श्वसन तंत्र बनाते हैं। अब देखते हैं श्वसन तंत्र की रचना। मनुष्य में फेफड़ों द्वारा श्वसन होता है। ऐसे श्वसन को फुफ्फुसीय श्वसन भी कहते हैं। जिस मार्ग से बाहर की वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है तथा फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, उसे श्वसन मार्ग कहा जाता है। मनुष्यों में बाहरी वायु तथा फेफड़ों के बीच वायु के आवागमन हेतु कई अंग होते हैं। ये अंग श्वसन अंग कहलाते हैं। ये अंग परस्पर मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। इन अंगों का वर्णन इस प्रकार है। आप चित्र में भी देखेंगे बच्चे, पहला है नासिका या नासिका गुहा, दूसरा है ग्रसनी, तीसरा स्वर यंत्र, चौथा श्वास नली, पांचवा ग्रसनी या श्वास नलिकाएं, छठवा वायुकोश, सातवा फेफड़े और आठवा डायाफ्राम। सबसे पहले हम देखते हैं नासिका। इसको हम साधारण बोलचाल में नाक भी बोलते हैं। तो मानव श्वसन तंत्र का प्रारंभ नासिका से होता है। नासिका के छोर पर एक जोड़ी नासिका छिद्र स्थित होते हैं। नासिका एक उपास्थिमय संरचना है। नासिका के अंदर का भाग नासिका गुहा कहलाता है। इस गुहा में तीन वक्री पेशियां पाई जाती हैं। क्रोध एवं उत्तेजना की अवस्था में ये पेशियां अधिक क्रियाशील होकर तेजी से श्वसन क्रिया में भाग लेती हैं। इस नासिका गुहा में संवेदी नाड़ियां पाई जाती हैं जो गंध का ज्ञान भी कराती हैं। इसी स्थान नाशा मार्ग के अधर और पार्श्व सतहों पर श्लेष्मा ग्रंथियां होती हैं, जिसमें श्लेष्मा की उत्पत्ति होती है। नासिका गुहा के अग्र भाग में
रोम कोशों का एक जाल पाया जाता है। और ये तो थी नासिका की संरचना। अब देखते हैं कि इसके कार्य क्या-क्या हैं। तो नासिका गुहा में स्थित टर्बाइनल अस्थियां नासा मार्ग को चक्करदार बनाती हैं, जिससे इसका भीतर क्षेत्रफल काफी अधिक बढ़ जाता है और अंदर ली गई वस्तु का ताप शरीर के ताप के बराबर आ जाता है। यहाँ पर स्थित श्लेष्मा ग्रंथियां श्लेष्मा का स्त्रवण करती हैं। यह श्लेष्मा नासिका मार्ग को नम रखती है तथा इससे गुजरकर फेफड़ों में पहुंचने वाली वायु भी नम हो जाती है। यहाँ पर संवेदी नाड़ियों की उपस्थित वायु की स्वच्छता का ज्ञान कराती है। यहाँ उपस्थित स्थित रोम कोशों का जाल फिल्टर की तरह कार्य करता है तथा हानिकारक रोगाणुओं व धूल धुएं आदि के कणों को हमारे अंदर शरीर में जाने से रोक लेता है। अब है ग्रसनी। तो इसका स्थान है नासिका के बाद। नासिका गुहा आगे चलकर मुख में खुलती है। यह स्थान मुखीय गुहा अथवा ग्रसनी कहलाती है। यह एक कीप के समान आकृति वाली अर्थात आगे से चौड़ी और पीछे से पतली संरचना वाला होता है। यह तीन भागों में बटी होती है। पहला नासा ग्रसनी, दूसरा मुख ग्रसनी और तीसरा स्वर यंत्र ग्रसनी। तो नासा ग्रसनी यह नासिका के पीछे और कोमल तालू के आगे वाला भाग है। इसमें नासिका से आकर नासा छिद्र खुलते हैं। इसी भाग में एक जोड़ी श्रावणी नलिकाएं कर्ण गुहा में आकर खुलती हैं। कर्ण मतलब कान में आकर खुलती हैं। इन नलिकाओं का संबंध कानों से होता है। दूसरा है मुखग्रसनी। यह कोमल तालू के नीचे का भाग है जो कंठ छद्म होता है। यह भाग श्वास के साथ साथ भोजन के संवहन का कार्य भी करता है, अर्थात इस भाग में श्वास एवं भोजन दोनों गुजरते हैं। फिर तीसरा है स्वर यंत्र ग्रसनी। यह कंठ क्षेत्र के पीछे वाला ग्रास नली से जुड़ा भाग है। इसमें दो छिद्र होते हैं। पहला छिद्र भोजन नली का द्वार और दूसरा छिद्र श्वास नली का द्वार, अर्थात यहाँ से आगे एक ओर भोजन तथा दूसरी ओर श्वास का मार्ग होता है। ग्रसनी के कार्य हैं। ग्रसनी श्वसन तंत्र का मुख्य अंग है। यह अंग वायु एवं भोजन के संवहन का कार्य करता है। श्वास के रूप में ली गई वायु इसी ग्रसनी से होकर श्वास नली तक पहुंचती है। मनुष्यों में व कुछ जीवों में गला व गर्दन के आगे के पीछे के हिस्सों को कहते हैं। मनुष्यों के गले में कई अंग होते हैं, जैसे अभी आपने देखा स्वर ग्रंथि, ग्रास नलिका और श्वास नलिका। अब आता है स्वर यंत्र की रचना और उसके कार्य। ग्रसनी के आगे का भाग स्वर यंत्र कहलाता है। स्वर यंत्र जब मुख ग्रसनी से नीचे की ओर श्वास नली से जुड़ा होता है, इसी स्थान पर थायराइड एवं पैराथायराइड नामक अंतःस्रावी ग्रंथि उपस्थित होती है। यह गले का उभरा हुआ स्थान है। अंदर इसी स्थान में संयोजी ऊतक से निर्मित वाक्रज्जु या स्वर रज्जु पाए जाते हैं। स्वर यंत्र ऐसा श्वसनी अंग है जो वायु का संवहन करने के साथ साथ स्वर या वाणी को भी उत्पन्न करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। वास्तव में स्वर की उत्पत्ति वायु के द्वारा ही होती है। श्वास के द्वारा ली गई वायु से यहाँ उपस्थित स्वर रज्जुओं से कंपन उत्पन्न होता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी अंग की सहायता से हम विभिन्न प्रकार की आवाजें उत्पन्न करते हैं तथा बोलते हैं। स्वर रज्जुओं की तन्यता एवं उनके मध्य अवकाश पर ध्वनि का स्वरूप निर्भर करता है, अर्थात इसी कारण आवाज में मधुरता, कोमलता, कठोरता एवं कर्कशता आदि गुण प्रकट होते हैं। उच्च
स्तरीय स्वाद वादक गायक अभ्यास के द्वारा इन्हीं स्वर रज्जुओं पर नियंत्रण स्थापित कर अपने स्वर को मधुरता प्रदान करते हैं। फिर आता है श्वास नली। मनुष्य और पशु पक्षियों जीव जंतुओं के शरीर में श्वास नली या सांस की नली वह नली होती है जो गले में स्थित स्वर यंत्र को फेफड़ों से जोड़ती है और मुंह से फेफड़ों तक हवा पहुंचाने के रास्ते का एक महत्वपूर्ण भाग है। श्वास नली की आंतरिक सतह पर कुछ विशेष कोशिकाओं की परत होती है जिनमें से श्लेष्मा रिश्ता रहता है। सांस के साथ शरीर में प्रवेश हुए अधिकतर कीटाणु धूल व अन्य हानिकारक कण इस श्लेष्मा से चिपक कर फंस जाते हैं और फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाते। अशुद्धताओं से निर्मित यह श्लेष्मा या तो अनायास ही पी लिया जाता है जिससे ये पेट में पहुंचकर वहां पर हाजमे के रसायनों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है या फिर बलगम बन कर मुंह से उभर कर बाहर आ जाता है जहां से इसे थूक दिया जाता है। मछलियों के शरीर में श्वास नली नहीं होती। इसके कार्य हैं: यह स्वर यंत्र से आरंभ होकर फेफड़ों तक पहुंचने वाली नली होती है। इसकी लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर। गर्दन इस श्वास नली का अंग्रेजी अक्षर सी के आकार की उपस्थियों के अपूर्ण छल्लों से होता है। इस श्वास नली की आंतरिक सतह पर श्लेष्मा को उत्पन्न करने वाली श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। आगे चलकर यह श्वास नली क्रमशः दाहिनी और बाईं ओर दो भागों में बढ़ जाती है जिसे श्वसनी भी कहा जाता है। श्वसनी एवं श्वसनिकाओं की रचना एवं कार्य। श्वास नली वक्ष गुहा में जाकर दो भागों में बढ़ जाती है। इन शाखाओं को श्वसनी कहते हैं। श्वास नली मेरुदंड के पांचवे थरेसिक ब्रटीबरा के स्तर पर दाएं और बाएं दो भागों में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के फेफड़ों में प्रवेश करके अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है। इन शाखाओं को श्वसनिकाएं भी कहते हैं। इन पर अधूरे उपास्थीय छल्ले होते हैं। इस प्रकार श्वसनी आगे चलकर विभिन्न छोटी छोटी रचनाओं में बढ़ती चली जाती है और इन छोटी छोटी रचनाओं को वायुकोश कहते हैं। श्वास नली के द्वारा आया श्वास श्वसनी एवं श्वसनिकाओं के माध्यम से फेफड़ों में प्रवेश करता है। बच्चों, आज हमने श्वसन तंत्र के कुछ अंगों का अध्ययन किया। और एक बात बताती हूँ,